फुल लॉकडाउन कर देना चाहिए। महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ी रही है, इनकम तो कहाँ है ही नहीं, घर में बैठे हैं। फीस देनी है आपको, कहीं से लाओ कैसे भी लाओ, वो ये मरेगा बीच वाला मिडिल क्लास आदमी, और कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ 100% फीस ली जा रही है। ये तो वैक्सीनेशन अगर प्राइवेट में अवेलेबल हो तो यहाँ कौन आएगा? जो पैसे वाले हो तो कर लेते हैं, उसके बाद नतीजा क्या होगा? गरीबी और गरीबी होएगी, और क्या होगा? चोरा चोरी छिपटा चीनी यही होएगा। राम राम साहब, मारो नाम है दीप और थे सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अगर थे ये वीडियो ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, साथ ही शेयर भी कर दो। जनधन सबने पता है कि केसेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, सख्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की जो की इनकम है वह दिन ब दिन कम होती जा रही है, और साथ ही साथ चूंकि महंगाई है, कालाबाजारी है, वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट को कि जो स्कूल्स में जगह का टावर पड़ रहा है बने स्कूल की फीस है जबकि पूरी 100% देनी पड़ती, इसके ऊपर पेरेंट्स का काई विचार है? राम राम जी। कोरोना का जो केसेस है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एक खेवा आ रहा है कि जो किचन है बिना अगर दुरुस्त कर लो तो थोड़ा बहुत आप बच सका भी हूँ, तो कई कई चीजों को ध्यान रख रहे हो घर का मायने की आप यही चीजें? गर्म पानी पी रहे हैं सब, नींबू डाल के गर्म पानी में ले रहे हैं, फिटकरी का पानी ले रहे हैं, ये सब उपाय कर रहे हैं। तो दिन क्या का ही निकल रहा है, पहला की जिया नहीं हो रहा है या फिर अभी आराम हो? जब पिछली बार लॉकडाउन आपने हुई हो तो बड़ी मतलब लोगों का अंदर यान हो कि यार बाहर निकलना ही कोने बिल्कुल, अभी तो लोग थोड़ा बहुत निकल भी रहे हैं, तो टाइम पास क्या का ही हो रहा है? कुछ नहीं, घर में अपने सत्संग देख लेते हैं, टीवी पे जो आता है प्रोग्राम वो देख लेते हैं, अपने घर में पैक रहते हैं, टाइम पास तो करना ही पड़ता है कैसे न कैसे। घर तो औरता ही संभाले करे, तो बने ज्यादा पता इस चीज को कि जियान पहले है जो कि चीजें ही वे बहुत ही कम रेट का मतलब अबार का मुकाबला देखे तो रेटा है जो कि महंगी हो गई है, तो घर ने को खर्चों से लाओ कितो का मैनेज? हाँ जी, मुश्किल तो बहुत है पर अब क्या करे, महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ी रही है, पहले से मुकाबले दुगनी हो गई अब महंगाई, इनकम तो कहाँ है ही नहीं, घर में बैठे हैं। सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है, आप देखिए कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं या उनसे निम्न स्तर के लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। अब जैसे सर्वेंट थे घर में आते थे, अगर हम उनको घर में आने दें तो मुश्किल, और नहीं आने दें तो भी मुश्किल है, कारण है उनको हमें सैलरी देनी ही पड़ रही है और कायदे से देनी भी चाहिए, लेकिन परेशानी ये होगी कि इनकम सोर्स तो बंद हो गया ना, अब सैलरी जहाँ बच्चों की पूरी थी अब हाफ पे कर रहे हैं काम, अब वो खुद की जैसे किस्तें भी आ रही हैं, हर चीज़ काफ़ी चीज़ें घर में होती हैं, उनका सब कुछ जा रहा है, तो वो परेशानी तो खड़ी हो गई ना। ऑफिस को बंद कराना चाहिए ना, अब ऑफिस में जा रहे आदमी खतरा है, बंद ऑफिस में काम कर रहे, तो सरकार को ये लॉकडाउन लगाना चाहिए ऑफिस में। अब बात करिए कि किस्ता है जगह जारी है जी, पर था विचार है उसको भी बंद करो थोड़े दिन के लिए, उसको पूरा बंद करो, फिर उससे क्या है कि अगर आप इनकम का बंद करो तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट जारी थी वो भी 1 महीना 2 महीने के लिए बंद हो सकती है, तो वो बैक साइड में बाद में सबसे बाद में ले ले, पहले भी ऐसे रूल हुआ था, तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि उनको भी बंद किया जाए, हर महीने भेज देते हैं जी आप हम किस्त जमा कराइए, तो ये गलत है ना, ये सरकार को इस पर कदम तो उठाना चाहिए ना। कुछ चैनल का माध्यम सरकार ने नहीं, सरकार कदम तो यही है कि या तो सब पूरा फुल लॉकडाउन कर दो, हर चीज को बंद कर दो, तभी कुछ हो सकता है, वरना देखो समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। अब ये नहीं है कि कुछ लोगों को बंद कर दिया, मिडिल क्लास लोग बंद हो गए, ऑफिस वाले बैठे हुए हैं उनको तो बंदी सैलरी गवर्नमेंट से मिल रही है, लेकिन परेशानी तो प्राइवेट वार्ड वालों को हो रही है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, सरकार को कदम ठोस उठाना ही चाहिए, फुल लॉकडाउन कर देना चाहिए और जिससे कि ये महामारी और ना बढ़े, अगर ये फुल लॉकडाउन कर देंगे तो उससे महामारी थोड़ी कम हो जाएगी, और एक फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे तो कम से कम इंसान रिलैक्स तो हो जाएगा थोड़ा। हर गृहिणी परेशान है कि एकदम से जो तेल 120 के आसपास आता था वो 40 के पार हो गया, तो परेशानी ये तो बढ़ ही गई है, हर चीज़ की परेशानी बढ़ गई है, गृहस्थी पे इतना ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ रहा है कि मतलब घर में बात करते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं सब लोग, तो इस चीज के लिए तो सोचना ही पड़ेगा सरकार को, देखो जो कर रहे हैं उनको सख्त से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए, ये हम लोग कह तो देते हैं लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है, आप सोच सकते हो बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर लिए है अपनी उसके सेफ्टी के लिए, लेकिन बाकी दूसरे लोग कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए तो सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। अस्पताल के अंदर जाने नहीं दे रहे, जो आदमी बीमार पड़ रहे बाहर, पुलिस खड़ा है, पैरादार खड़ा है, बाहरी आदमी मरीज तरफ तरफ के इसको
जान जा रहे, तो वो नहीं दिख रहा है क्या सरकार को? देखो मिडिल क्लास लोग जो है घर में स्टॉक भर के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनकी ये इतनी हैसियत नहीं होती, पॉकेट अलाउ नहीं करती। जो पैसे वाले हो तो कर लेते हैं, उसके बाद नतीजा क्या होगा? गरीबी और गरीबी होगी, और क्या होगा? चोरी छिपटा चीनी यही होएगा। जी हाँ, अपन पता है कि कोरोना है बिन एक साल से ऊपर हो गए टाइम पर। अपन पता है कि जो पिछली बार लोग सरकारों बिन पत्तों को एकदम बीमारी आई, तो हो सके कि बस तैयारी वह कौन कर पाई? नहीं, सरकार को मालूम था कि ये दोबारा महामारी फैलेगी, उसके लिए उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया है। ये सरकार को 100% मालूम था, लेकिन उसके लिए उन्होंने फुल लॉकडाउन खोल दिया कि करो जो मर्जी करो, तो ये गलत हुआ ना। अगर थोड़े दिन और सख्ती हो जाती, और मास्क के लिए भी, हर चीज़ के लिए, डिस्टेंस के लिए थोड़ी सी सख्ती अगर सरकार कर देती, तो ये दोबारा इतनी नहीं फैलती। कोई बेनिफिट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का जो निकाल के दिया कि भाई हमें फंड दे रहे हैं, क्या हुआ उसका? किसको मिला? मिला किसी को? सर आपने मिले कोई फ़ायदा भी 20,000 करोड़ वाला? हमें तो नहीं मिला। EMIs तो वैसे के वैसे ही जाएंगे और बैंक आपसे लेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी फीस के ऊपर पढ़ी लिया होगा आपने। हाँ, वो भी कि पूरी देनी है। हाँ। बच्चे स्कूल गए या नहीं गए उससे मतलब नहीं, उन्हें फीस देनी है आपको, कहीं से लाओ कैसे भी लाओ। वो ये मरेगा बीच वाला मिडिल क्लास आदमी, और कोई नहीं। बच्चों की क्लासेस से उनको ऑनलाइन क्लासेस से हटा दिया है जिन्होंने नहीं जमा करी है, और जिन्होंने जमा करी है वो क्या तीर मार लेंगे? आप खुद देख लो, आपके 2 साल से बच्चों के कोई पेपर नहीं हुए, प्रमोटेड हो रहे हैं से वो जिनको आप, उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है। स्कूल को फीस से मतलब है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। आप कैसे करोगे, क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ 100% फीस ली जा रही है। बाकी और स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट ने, चाहे उनका शिक्षा मंत्री है या सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में चल गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर कराया कि जो आदमी समझ भी नहीं आ रहा, स्कूल वालों को प्रॉफिट देने के लिए सबको, भाई लोगों की नौकरियां चलेगी, लोगों का पैसे नहीं है, लोग कैसे कैसे करके अपने काम कर रहे हैं, लोन्स पे लोन, EMI पे EMI, आखिरकार देनी तो उसको ही है। ये हालत कर दी है कि मतलब बस पब्लिक जैसे तैसे अपना काम चला रही है। ये तो वैक्सीनेशन अगर प्राइवेट में अवेलेबल हो तो यहाँ कौन आएगा? गवर्नमेंट ने ये फ्री में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ये है कि अवेलेबल नहीं है प्राइवेट में, इसलिए आदमी यहाँ आ रहा है। और अगर है तो ब्लैक में है। पहली बात तो ब्लैक का भी उनसे बात करो तो वही है, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, वो नहीं देते, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेट में उसकी डोज की पर डोज 1200 रुपये कर दिया। गवर्नमेंट में आपको फ्री मिल रही है, या पहले 250 रुपये मिल रही थी। मैंने पहली डोज प्राइवेट में ली थी, 250 रुपये की मिली थी, आज वहाँ डोज ही नहीं है। अभी से सेकेंड डोज के लिए आया, सेकेंड डोज के लिए। तो अभी सेकेंड डोज के लिए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, ट्राई करे हो कहीं? हाँ, प्राइवेट मैंने 3 बार ट्राई करा, उन्होंने सब डोज ही नहीं है हमारे पास, वैक्सीनेशन है ही नहीं अवेलेबल। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये हैं कि वापस लौटा दी जाए, अगर आपके पास है डोज तो हमें लौटा दें वापस। कौन सी डोज है वैक्सीन की? थी पहली या दूसरी? पहली डोज। तो क्या कहीं रजिस्ट्रेशन करवाए थे? रजिस्ट्रेशन मैंने ऑनलाइन करवाया था, लेकिन वो कल का मेरा टाइम एंड डेट दिया था, कल 9 से 11 का टाइम था, डेट था 3 तारीख, लेकिन उसमें बोला लाइन लगेगा, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन से नहीं चलेगा। पुलिस वालों ने बोला लाइन लगा, लाइन में कल नंबर नहीं आया। पहले एक बार वापस जा चुके हैं यहाँ पे, पहले भी ऐसे बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं जानता, आप जाके लाइन में लगो, जिन बचेगी तो लगा देंगे। आज सेकंड टाइम फिर उनको गाड़ी में आज खड़े होने की या बैठने की स्थिति में भी नहीं है, गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब अगर बचेगी इनके पास तो लग जाएगी, उनकी जगह मैं लाइन में लगा हूँ। एक चीज़ यान भी है कि जी मतलब अभी देखवा कर लगे जो 45 साल और 60 वाला की बाकी वैक्सीन ढंग से गुन हो पा रही, और बीच में 18 वाला भी चालू कर दियो, तो लग रहा है कि मैनेज हो जैसी दोनों चीज़ें? बहुत मुश्किल है अभी तो, अपना पहले यही कर ले कम से कम। मतलब जी यान अब लोग है, पहले आप घूमया करता बाहर सब कुछ है, लेकिन एक तरीका से आप बंद होगा ये टाइम पर, और बस सही है होना भी चाहे जो, लेकिन ये असर कहीं पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर भी चीज़? असर तो पड़ता ही है, बाहर घूमने टहलना है, घर में घुटन जैसी महसूस होती है, लेकिन ये चीज़ देखते हुए असर कम हो जाता है, क्योंकि जो हालात है जितने भयानक ना, उसको देख के इन सब चीज़ों का असर कम ही हो रहा है। ठीक है, लोग बैठने ही पसंद कर रहे हैं, हिसाब किताब ही नहीं है, जिसके जिसको जो दिल में आ रहा है वही हो रहा है, रेट तो कोई रहा ही नहीं, फिक्स तो है ही नहीं किसी चीज़ का, जैसे दिल में आ गया वही कर लिया, वो हो गया। अपने हिंदुस्तान का मायना चीज़ है कि जिया नहीं, कोई लोगों की मजबूरी हो, लोग फायदा उठावो चाहे बन का ही पहुँचाओ दे, नहीं वो तो एक गलत है ना, वो सबके लिए, वो हम सबके लिए ख़राब है भाई। उस चीज़ मजबूरी में ऐसा करेंगे तो मुश्किल है फिर तो, भाई देश कहाँ जाएगा? जो कुछ कर रहा है वो कर ही रहा है, कोई रोकमेंट तो है ही नहीं। तो अभी के लिए कुछ प्रशासन कुछ कदम उठा रहे हो कालाबाजारी रोकवा के लिए या कुछ? क्योंकि प्रशासन तो मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों में इतना बिजी है कि उसके लिए टाइम ही कहाँ मिल रहा होगा।
और सर कहीं कहीं अटे लोग ध्यान रखे जा रहे हैं, मेन बात तो सोशल डिस्टेंसिंग की है। ज्यादातर उम्र दराज लोग हैं, समझदार है काफी, तो ज्यादा इतनी वो परेशानी नहीं है, अच्छे लोग। तो जान आप देख सक की जो हमारे पास है जो लाइन अट लाग रखी है आ लाइन से की है, मैं बता दू 45 वर्ष जो ऊपर जो है वैक्सीन लगावा के लिए है 45-60 के बीच, बाकी आ लाइन है और बहुत लंबी लाइन है जो की 58 देखो मिल रही है। कितनी देर होगी वैक्सीन खातर खड़े सर? 9 बजे से। तो नंबर उम्र कहीं चल रहे नंबर को कितनी देर में आ जाए? अब तो आना जाना ही चाहिए 15-20 मिनट। और थे भी 45-60 में लाग रहा क्यों? और दादाजी उधर दादाजी की जगह पे लाग रहा है वो 18+ वाली वैक्सीन है की लाग रही है, तो थे भी कर लियो रजिस्ट्रेशन? मैं 18+ कहूंगी। वो बने भी कितनी टाइम होगा जाने टकड़े? मैंने 20 बच्चों को लग रहे 3 घंटे 2.5-3 घंटे हो गए। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह किया कहीं करे? गई बैजिंग को लगवा दिया था, अब 6 घंटे हो जाए मेरा इसलिए। तो सही है सुविधा वगैरह या फिर कोई? सही है, लग जाए जब पहले बाकी तो सुविधा सही है। के बारे में थाका का ही विचार है कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर जरूर बता दो। मैं था को दोस्त दीप कैमरामैन चंपालाल के साथ।